उस्मान भाई आपने बाकी ना डिसाइड किया एक दफा फिर, आपका तो ही साथ बैठना बनता था यार सरदार भाई, चस्के लगाने नहीं बनते थे आप लोग ना, आप लोगों की आते हैं ना थोड़े से फायदे की, लोगों की इज्जत उछाल जाते हो, यही सबसे बड़ा। सरदार भाई मेरे ऊपर कचरा गिराना से अच्छा है मेरा मुंह ही खुलवाओ, फिर यहाँ पे लड़ाइयां हो जाएंगी, समझ रहे हो? कोई मसला नहीं है, लड़ाई कर ले, हम एक पॉइंट है, आपका साथ बैठना नहीं बनता था। मेरी बात सुना, आप उसकी साइड क्यों ले रहे हो? पहले एक बात बताओ, क्यों ना लूं मैं साथ? उसकी ज्यादती हुई है उसके साथ। उसकी साइड ले रहे हो भाई? उसकी ज्यादती हुई है उसके साथ, मुझे चीप कॉइन देने का कोई आपस में क्यों कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, हम बात कर रहे हैं उस्मान के साथ, मेरी अच्छी बात तो करने दो, फिर खत्म हो जाएगी। बात कर रहे हैं हम, कोई लड़ाई नहीं हो रही। बात यह है कि टिकटॉक में कोई बंदा ऐसा आया ही नहीं जो हमें चीप कॉइन दे जाए। बात यह है कि आप आपका क्या काम, मेरा सवाल तो ले लो ना, उसके बाद जवाब दे दे रहे हैं। नहीं 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 सरदार भाई, तुम्हारे हमेशा ना मेरे अगेंस्ट आते हो, तुम्हारे को मौका चाहिए होता है। मैं मौका नहीं आता, मैं हमेशा तेरे पीछे भी जाता हूँ। आप ये बात बेहतर हरकत तुम लोगों ने की है। मेरी बात सुनो, तुम वहाँ साथ आते हो जब देखते हो कि यहाँ मेरा फायदा है, बात बस बात दबा दो आगे। मुझे क्या फायदा मिल रहा है तुम लोगों को गिफ्ट के करके बताओ? तुम हमें मुझे क्या फायदा मिल रहा है? मुझे तुम लोगों से क्या मिल रहा है? एक सेकंड, उस्मान भाई, सरदार भाई, एक सेकंड दे उस्मान भाई। जब मेरी चीट चैट लीक हुई थी तब तो तुमने नहीं बोला था कि यार उस्मान भाई यार तेरी पता नहीं कहाँ पहुंची थी, हमें तो आज वाली चैट का पता है कि वो लीक हुई है। वही बंदे सरदार भाई जो मेरी माँ बहनों को गालियां दे रहे थे, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम आगे सही से बात करते हो। तुमने हमें खोते पे लटकाया था सरदार भाई। डीजे का भी पॉइंट, डीजे का भी पॉइंट यहाँ पे देखो, सही है। मेरे से पंगा ना ली, मैं साफ बता रहा हूँ। अल्लाह की कसम, सरदार भाई डीजे डिफेंड मत करो, तुम्हारे मत लेके आओ, जो चीज गलत है ये तुम लोगों का क्या नहीं गलत है? नीलाम करते हो तुम लोगों को, पता ही नहीं है कुछ चीज का, तुमने पैसे का सारा कुछ बनाया। शांत हूँ, मैं अपना पॉइंट दे रहा हूँ भाई, गलत हुए गलत कहूंगा, जिसने जो करना है इधर कर ले, मैं बैठा हूँ। हुआ क्या सरदार भाई, इतने हाइपर क्यों हो रहे हो? आप भी उसके साथ बैठे ठंडे हो यार, भाई इतने हाइपर ना हो। आगे मेरे तो चढ़ाई कर रहे, मैं थे किसी को समझता नहीं, मैं ठंडे हो जो असि प्लेटफॉर्म से सिर्फ अपना पैसा देता है, अपना टाइम देता है, किसी को एक रुपया नहीं लिया। टाइम दिया सरदार भाई, तुम टाइम देके सहन नहीं कर रहे तुम लोग, तो मेरे ऊपर चढ़ क्यों रहे हो? पहले ये तुम्हारा करवा रहे उस्मान भाई, सरदार भाई शांत हो जाओ यार। जो चीज गलत है सरदार भाई, क्या हो गया है? जो चीज गलत है गलत है, गलत कहना सीखो सरदार भाई, हमें आके बातें मत सुनाओ इधर। किसी ने मुझे पढ़ाने की कोशिश की, मैं खुद किताब लिखता हूँ। इतना हाइपर क्यों हो? मैं इसलिए हो रहा हूँ, एक बंदे ने गलत हरकत की है, सारे बंदे गलत की है, उसको सीधा हो रहा है। आप सरदार भाई यहाँ पे 1000 बंदे गलत करते हैं, आपको पता है यहाँ पे सब कुछ होता है, आप कहाँ इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? शाम को एक चीज को हम गलत कह रहे हैं तो तकलीफ क्यों हो रही है? मुझे क्यों गलत कह रहे हो भाई? मैं नहीं लड़ रहा यार इसके साथ, मैं इसके साथ इसकी बात का जवाब दे रहा हूँ। ये जिस टोन के साथ आया है मैं उसका जवाब दे रहा हूँ कि मेरे साथ नहीं ऐसा चलेगा। आई एम टोटली डिफरेंट तुम्हारे को भाई, शांत हो जाओ यार। हमें आपकी दफा भी उतनी ही तकलीफ होती है, ये आपकी सोच है जो ऐसे सोचते हो आप लोग। जो चीज गलत है उनको गलत कहो, सिंपल। तकलीफ नहीं होगी उस्मान भाई, एक मिनट। ये अब 1902 की बातें निकाल के ले आए, मेरी चैट लीक हुई थी, तुम्हारे तो 100 मसले हुए, जिधर खड़े हो चुके साथ खड़े हुए, हर जगह तो नहीं आ सकते। जो चीज सामने, सरदार भाई शांत हो जाओ यार, भाई शांत हो जाओ सरदार भाई, छोड़ो यार। कहाँ बोलते ना, हमारी टोन भी बदलती है, हमारा सीना भी जलता है, हमारे को दुख भी होता है। तुम्हें अहमद सनी से तुम्हारा क्या मसला बताओ? अहमद सनी से हमारा क्या मसला? उस हरामी ने हमारे अकाउंट बैन करवाए, किस तरह सबूत दो? पिछले दिनों सबूत लेके आओ, सबूत बातों से नहीं काम चलेगा, सबूत करो, मैं उसको अभी के अभी ब्लॉक करता हूँ, सारों के सामने ब्लॉक करूंगा। सरदार भाई मेरे साथ कोई नहीं बैठता, मेरे साथ जितना आप बैठते हो उतना ही सारे बैठते हैं। सवाल इतने सबूत लेके आ, बाकी बात कोई नहीं, सबूत लाओ पूरे टिकटॉक से, उसको मैं ब्लॉक करवाऊंगा। पूरे अभी सबूत लेके आओ। सरदार भाई आई पर क्यों हो रहे हो? अहमद सनी ने बहुत सारी चीजें इन लोग के बारे में बातें की, उस वक्त कोई भी नहीं मिला, उस वक्त सारे लगा रहे थे बैठे हुए यार। डेडपुल मेरी आप आज अगर उसके साथ है ठीक है, दुख पे ओ भाई मेरे, हम इधर अपनी डिस्कशन कर रहे हैं, अगर आपको ये बातें नहीं पसंद आप इधर आके इस डिस्कशन का हिस्सा मत बनो। मेरे से आके गलत टोन में कोई बंदा गलत बात नहीं कर सकता। वंस फॉर ऑल मैं पहली और आखिरी दफा बता रहा हूँ, मेरे से आके ऊंची आवाज में गलत बात कोई नहीं करेगा, क्योंकि मैं मेरे से ये चीज, उसका सर फाड़ो जाके।
तो फिर नहीं, फिर हमने वीडियो देखी है, हम डिस्कशन करेंगे, हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे, किसी को अच्छा लगता है अच्छा लगे, किसी को बुरा लगता है बुरा लगे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे, लेकिन लोग हिस्ट्री भी देखे और हिस्ट्री इतनी दूर नहीं है, एक हफ्ता पहले करके देख नहीं हो रहा भाई, बोल रहे हैं यार तू तो चुप नहीं कर रहा यार, उस्मान की तो मां को गाली दी उसने बैठ के, मैं मेरे पास अभी वीडियो आई है, देखो तो उस्मान का काम था ये इशू रेज करना, दुनिया को बैठाता था भाई, वो किस तरह से भी कर रहे हैं, पॉइंट ये हो रहा है कि ये कह रहे क्या जा रहे हैं कि भेला वजह की साइड मत लो यार, जो चीज सामने क्यों ना है बिना वजह की साइड, मैंने बात सुनो मेरी सरदार भाई, आपकी साइड ले रहे हैं आप, पर लड़ो ना सकते हैं यार, प्लीज 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 एक सेकंड मेरा जवाब लेके जाना, मैं नहीं कह रहा उसने चैट की है कि नहीं, बिल्कुल की होगी, मैं ये कह रहा हूँ कि चैट लीक नहीं होनी चाहिए थी, उस्मान भाई मैं बताता हूँ सरदार भाई, सरदार भाई आपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया, नहीं होनी चाहिए थी, पर आप आगे में ना लग रहे उस्मान भाई नहीं हो रही जाता है।